सैनिटाइजर्स को खरीदने की होड़ लगी हुई है, तो मैं डॉक्टर सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सा बता दें कि स्वस्थ लोगों को मास्क नहीं पहनना है और इतना मार करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में इतने सारे मास्क घर में प्रोक्योर करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग सब लोग पूरी सरकार इसको लेके चिंतित है, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबके सहयोग की ज़रूरत है। अगर हम सब लोग सहयोग करेंगे तो जैसे अभी तक हम पिछले हफ्ते 10 दिन 15 दिन में इसको कंटेन कर पाने में सफल हुए हैं, ऐसे ही आगे भी हम लोग ज़रूर सफल होंगे। अभी तक दिल्ली के अपने 3 केसेस हैं और 1 केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है जो हो सकता है कि पॉजिटिव हो। इन 3 केसेस को जब इनसे पता किया गया तो पहले केस के 105 कॉन्टैक्ट लोगों के कॉन्टैक्ट में आया था, वो दूसरा केस 168 लोगों के कॉन्टैक्ट में आया था पिछले 14 दिन में, और तीसरा केस 64 लोगों के कॉन्टैक्ट में आया था। जिन जिन लोगों के कॉन्टैक्ट में पिछले 14 दिन में ये लोग आए थे, उन सभी को हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं, उन सभी को हम लोग सैंपल्स कलेक्ट करके उनकी चेकिंग कर रहे हैं कि उनको तो कभी नहीं हो गया है। पहला केस जो है वो 105 लोगों के संपर्क में आया था, दूसरा केस 168 लोगों के संपर्क में आया था, तीसरा केस 14 लोगों के संपर्क में आया था। इन सभी लोगों को हम लोगों ने क्वारंटाइन कर दिया है और अब इनके सैंपल्स चेक करा रहे हैं जिन जिन के सिम्टम्स निकल रहे हैं। इसके बाद जैसा आप लोग जानते हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर सभी पैसेंजर्स की अब स्क्रीनिंग हो रही है, जिसके लिए दिल्ली सरकार के 40 डॉक्टर्स वहाँ पे एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, और जितने लोगों की वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग होती है, जैसा हम जानते हैं 14 दिन का इसमें पीरियड है, 14 दिन के बाद इसके सिम्टम्स आने लगते हैं, तो वो जब अपने घर चले जाते हैं, अपने अपने इलाके में चले जाते हैं, तो जो दिल्ली वाले हैं उन दिल्ली वालों के ऊपर हम सब्सिक्वेंटली अगले 14 दिन तक उनकी उनके ऊपर निगरानी रखते हैं कि अगले 14 दिन में उनके कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। अभी तक 1,40,603 पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग हो चुकी है और उनको सर्वेलेंस पे डाला जा चुका है। 1,40,603 पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग हो चुकी है और उनको सर्वेलेंस पे डाला जा चुका है। हमारे जो 25 हॉस्पिटल्स हैं उनमें 168 बेड्स हम लोगों ने इसके लिए तैयार कर लिए हैं, आइसोलेशन बेड्स, जब भी जरूरत पड़ेगी इनको इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। मेरी दिल्ली के लोगों से अपील है कि अगर आपके पड़ोस में आपका कोई जानकार, आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त विदेश से होके आया है तो उसकी जानकारी आप तुरंत सरकार को दें ताकि हम उसकी जांच कर सकें और उसको निगरानी में रख सकें, क्योंकि अभी तक जितने भी केसेस हो रहे हैं वो विदेश से आए हुए लोग अपने साथ लेके आ रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोग बता दें, हो सकता है कुछ लोग ना बताएं, निकल जाएं। तो अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो पिछले 14 दिन में विदेश से होके आया है तो उसकी जानकारी तुरंत सरकार को दें। दूसरा, जो लोग क्वारंटाइन हो गए, चाहे सिम्टोमेटिक चाहे एसिम्टोमेटिक, उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा? इसीलिए हम सभी एम्प्लॉयर्स को अपील कर रहे हैं कि 14 दिन के लिए या जब तक उनका इलाज होता है तब तक उनको पेड लीव दी जाए ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। तीसरा, अभी सैंपल आपको अगर शक है कि आपको आपको अपना सैंपल देना है, तो अभी सैंपल देने के लिए आप केवल सफदरजंग और आरएमएल में जाते थे, अब हमने सैंपल कलेक्ट करने के लिए 25 अस्पतालों में इसका इंतज़ाम कर दिया है। इन अस्पतालों के अंदर इनके सैंपल कलेक्ट करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हम इनके लिए भी अलग से इंतज़ाम कर रहे हैं इन हॉस्पिटल्स के अंदर, ताकि जब इन हॉस्पिटल्स में कोई मरीज जाए तो वो दूसरे मरीजों के साथ उसका संपर्क ना हो। ये ऑर्डर कर दिए गए हैं कि मेट्रो बसेस और सभी हॉस्पिटल्स इनका डेली डिसइंफेक्टेंट के ज़रिए इनको डिसइंफेक्ट किया जाएगा, पूरे के पूरे मेट्रो को भी, सभी बसेस को भी और सभी हॉस्पिटल्स को भी। और कल और परसों होली है, दिल्ली की सभी जनता को होली की शुभकामनाएं, होली सबके लिए शुभ हो, लेकिन मेरी सबसे निवेदन है कि होली वाले दिन भी अपने आप को कोरोना वायरस से बचाने के लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों को, भीड़भाड़ वाली जगहों को परहेज़ करें
और अपने आप को कोरोना से बचा के रखें। कोई अगर प्रश्न हो, एक बार बताया था सिम्टम होते हैं रनिंग नोज, फीवर, खांसी, जुकाम, अगर ये कुछ भी नहीं है तो उनको किसी तरह का सैंपल देने के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत उन्हीं को है जिनको कि कंफर्म सैंपल सिम्टम्स हो, अदरवाइज कोई सिम्टम अगर नहीं है। अब विदेश से वापस आए हैं तो 14 दिन के लिए अगर आपको एडवाइस किया गया है कि घर में रहना है तो घर में रहिएगा, जब तक सिम्टम ना हो तब तक आपको दिखाने की सैंपल देने की जरूरत नहीं है। वरना क्या होगा, देखिएगा अभी कल की बात बताते हैं, आपने शायद अखबार में भी देखा होगा कि फोटो भी छपी है, आरएमएल हॉस्पिटल में 150 लोग पहुंच गए। अब 150 लोग पहुंचे उसमें से होता है एक पेशेंट, सपोज एक पेशेंट भी अगर था तो 150 लोगों को रिस्क हो गया उसकी वजह से। इसी वजह से हम 25 जगह पर प्रोविजन कर रहे हैं, पर वहाँ पर भी सिर्फ वही लोग जाएं जिनको कंफर्म सिम्टम्स हैं, अदरवाइज जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वेट करने की जरूरत है क्योंकि उसको टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना सर, सर जो 3 गुना तक रेट पहुंच गया है, डॉक्टर ने कहा कि आप इमरजेंसी में यूज करें मास्क, ये होर्डिंग और ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा, उसको लेकर गवर्नमेंट को स्टेप लेना, यही तो हम कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। अभी मैंने 2 बार डॉक्टर नूतन ने भी बोला, डॉक्टर सिंह ने भी बोला आपको, मास्क को, स्वस्थ लोगों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आप मास्क पहनते हैं तो अपने आप को थोड़ा ज्यादा एक्सपोज करते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने कहीं टच किया और उसके बाद अपने मास्क को ठीक करने के लिए यहाँ पे हाथ लगा दिया तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। सैनिटाइजर्स के लिए आपको केवल एक ही चीज करने की जरूरत है कि आप बार बार साबुन से हाथ धोते रहिए। सर ये जो, हाँ, जो भी प्राइवेट मार्केट है वो डिमांड सप्लाई पे रेगुलेट होती है, तो जैसे डिमांड बढ़ी हुई है तो प्राइसेस बढ़ गए हैं, लेकिन जैसे सर ने अभी क्लेरिफाई कर दिया है कि मास्क और सैनिटाइजर की इस तरीके से जरूरत नहीं है तो अपने आप ही प्राइसेस कम हो जाएंगे जब लोग डिमांड नहीं करेंगे। हम उस पर एक्शन लेंगे, जो भी हम जरूर एक्शन लेंगे, लेकिन हम जनता को भी कहना चाहते हैं कि मारा मारी करने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलरली, बहुत फ्रीक्वेंटली, मैं भी अपने हाथ काफ़ी फ्रीक्वेंटली धो रहा हूँ अब, तो अपने हाथ फ्रीक्वेंटली धोना चालू कीजिए, और मास्क की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्फेक्ट होते हैं या आप ऐसे व्यक्ति के टच में आते हैं कि आप उसमें हैं, क्वारंटाइन में हैं, तब मास्क पहन लीजिए। इसमें 19 सरकारी हैं, 6 प्राइवेट हैं। ठीक है, कराते अच्छा, इसका मैं बोलते हैं दो चीजें, एक तो एटलीस्ट ऑन पेपर थ्योरेटिकली उन लोगों को जो इन कंट्रीज से आ रहे हैं, उन कंट्रीज से आना तो बैन कर दिया गया अभी, लेकिन इन कंट्रीज में जाना अभी बैन नहीं किया गया है। तो कल हमारी मीटिंग है हर्षवर्धन साहब से दिन में 1 बजे, उसमें हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जो अफेक्टेड कंट्रीज हैं उनसे आना और जाना दोनों बैन कर दिए जाएँ, और जो आपका इनपुट है कि सबको नहीं स्क्रीन किया जा रहा, वी विल गेट इट एग्जामिन्ड, इसको सबको स्क्रीन करवाएंगे। आप बता दीजिए। हम उस व्यक्ति का फोन नंबर ले लेते हैं और दिन में 2 बार पूछते हैं उस व्यक्ति से कि आपको कोई सिम्टम तो नहीं आया। जो व्यक्ति विदेश यात्रा से आता है और जो संक्रमित देशों से आ रहा है, उन 4000 व्यक्तियों की डिटेल एयरपोर्ट कैच करके स्टेट को दे देता है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनसे संपर्क करें। शुरू में केवल उनके एड्रेस लिए जा रहे थे और उनमें से 25% एड्रेस हम ट्रेस नहीं कर पाए, तो हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि यदि आप किसी भी संक्रमित कंट्री से, पिछले 14 साल में पहले ही बोल दिया उसे मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप वहाँ से आए हैं, तो प्लीज वॉलंटियर दैट इन्फॉर्मेशन, गिव योर फोन नंबर, और हम आपसे दिन में 2 बार फोन करके पूछते हैं कि आपको कोई सिम्टम तो नहीं आया। यदि सिम्टम नहीं आएगा उसको अगले, ये जो हमारे कॉल सेंटर का नंबर है लिख लीजिए, 011-22-307145, आई रिपीट 22-307145, और एक और नंबर लिख लीजिए 22-300-1212, एक और लिख लीजिए
000336। ये स्टेट लेवल के कंट्रोल रूम नंबर्स हैं और उसके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंट्रोल रूम नंबर्स भी हैं। एक अनुरोध और है कि इन टेलीफोन्स पे ऐसी सुविधा है कि अगर आप कॉल कर रहे हैं और वो दूसरे कॉल पे व्यस्त है तो रिंग जाती रहती है, तो आप ये मत सोचिए कि ये नंबर एक्टिव नहीं है, प्लीज दोबारा कॉल करें, आपकी कॉल थ्रू हो जाएगी या नंबर चेंज करके कॉल करें। Somehow we are requesting MTNL to get give this message कि अन्य कॉल पर व्यस्त हैं, बट उनमें यह है कि रिंग जाती रहती है और लोगों को लग रहा है कि ये कॉल उठा नहीं रहे। 24 घंटे जो है वहाँ पे कोई ना कोई बैठे हैं तीनों फोन पे और आपकी 24 घंटे आपकी क्वेरीज का जवाब दिया जा रहा है। थैंक यू। थैंक यू।